फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधीर भोसले। स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल शिवम ऑटोजोन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आप लोगों के लिए कंफर्ट से भरी और अपने आप में एक स्टाइल स्टेटमेंट देते हुए, मैं बात कर रहा हूँ न्यू नेक्स्ट जेन अर्टिगा के बारे में। तो दोस्तों, जब से न्यू नेक्स्ट जेन अर्टिगा लॉन्च हुए तब से लेके अभी तक इसके 9000 हैप्पी कस्टमर्स हुए और इसे देखते हुए मारुति सुजुकी ने इसको टूर सेगमेंट में लाने का फैसला किया और खास करके हमारे जो कैब ड्राइवर्स है और फ्लीट ऑपरेटर्स है उनको देखते हुए इसे टूर सेगमेंट में लाने का फैसला किया टूर एम के नाम से। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कम्प्लीट रिव्यू टूर एम के बारे में। तो दोस्तों, टूर एम के हम फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दिए हुए हैं जो कि आपके नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी काफ़ी एनहांस कर देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फॉग लैंप्स के लिए प्रोविजन दिया हुआ है जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। और यहाँ पे सिल्वर क्रोम स्टड ग्रिल दिया हुआ है जिसके वजह से ओवरऑल लुक आप फ्रंट देखेंगे तो काफ़ी मस्कुलर और स्टड लुक दिया हुआ है अर्टिगा टूर एम का। तो दोस्तों, साइड प्रोफाइल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्टाइलिश व्हील कैप मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर लाइन दिया हुआ है जिसकी वजह से कार की जो लुक है वो काफ़ी इनहांस हो रही है। और यहाँ पे जो आपको ओ आर वी एम्स दिए वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दिया हुआ है। ये देखिए लेन चेंज इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी को भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी साइड प्रोफाइल के बारे में। तो आइए जानते हैं हम अब कुछ इंटीरियर्स के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पावर विंडोज के स्विचेस दिए गए हैं। ये बैक साइड के, ये फ्रंट के हैं। और यहाँ पे जो स्विच दिया हुआ है लॉक अनलॉक के लिए है, पावर विंडोज के लिए भी है और डोर्स के लिए भी है। यहाँ पे जो मैंने स्विच आपको बताया बाहर कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर वी एम्स है, ये आप इजीली यहाँ पे से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील दिया हुआ है जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है इस व्हीकल को अंदर इंटीरियर से। और यहाँ पे स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स दिया हुआ है जिसके वजह से वाइल्ड ड्राइविंग आपका कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तो ये आपके सेफ्टी को भी बढ़ा देता है। यहाँ पे कॉल्स आप रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि आपको कार की सारी जानकारी इस डिस्प्ले में मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है जो कि इस गाड़ी के लुक को, इंटीरियर्स को भी काफ़ी इनहांस कर रहा है, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है इसको। और यहाँ पे आपको एसी के स्विचेस दिए हुए हैं। यहाँ पे नीचे आप आओगे यहाँ पे तो आपको ऑक्स और यूएसबी का स्लॉट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है। और यहाँ पे भी आप को स्पेस देखेंगे ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और यहाँ पे कप होल्डर्स विथ एसी वेंट्स दिया हुआ है तो आप काफ़ी समय तक आप सब्सटेंस को कूल रख सकते हो। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड की बात करें तो डुअल टोन और विथ स्कल्प्टेड डैशबोर्ड दिया हुआ है जिसके वजह से ओवरऑल लुक इंटीरियर तो इसका काफ़ी प्रीमियम और एक रिच फील दिलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो स्पीड लिमिट है इस व्हीकल का 80 किलोमीटर स्पीड लिमिट रहेगा जो कि कंपनी फिटेड स्पीड गवर्नर है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो भी इंटैक्ट रहती है। तो दोस्तों, ये थी सारी चीज़ें इंटीरियर्स के बारे में। तो जानेंगे अब हम इसके सेकेंड रो के बारे में। तो दोस्तों, अब हम हैं सेकेंड कंपार्टमेंट में अर्टिगा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो लेगरूम है वो काफ़ी मिल रहा है और यहाँ पे आप सीट्स भी इसको एडजस्ट कर सकते हो आप आपके हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से। और यहाँ पे हम हेडरूम की बात करें तो इसमें भी काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पे पीछे जो हेडरेस्ट दिया हुआ है वो भी एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी सेकेंड रो में दिया हुआ है जो आपको कंफर्टेबल बना देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एसी भी दिया हुआ है, एसी फोर वेंट्स दिए गए जिसकी वजह से इस गाड़ी के कंपार्टमेंट को काफ़ी मदद करती है कूल रखने के लिए। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको एक चार्जर सॉकेट दिया हुआ है बैक साइड में भी। और यहाँ पे सीट के पीछे आप देखें तो मैगजीन रखने के लिए भी आपको कंपार्टमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी सारी बातें इंटीरियर सेकेंड कंपार्ट के बारे में। अब हम जानेंगे थर्ड रो में। तो आइए देखते हैं कि थर्ड रो में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अब हम थर्ड रो की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको लीवर दिया हुआ है जो वन टच से आपका सीट कम्प्लीटली फ्लैट हो जाएगा जिसकी वजह से, और आपको यहाँ पे रिक्लाइन करना है इसे बस। और देख सकते हैं आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है जो कि आप इजीली एंटर कर सकते हैं।
बैठ के हम देखें तो इसका जो सिटिंग पोजीशन है काफ़ी कंफर्टेबल है, जो आपका जो सीट्स है ये इजीली रिक्लाइन भी हो सकता है, और यहाँ पे आपको हेडरेस्ट दिया हुआ है जो आप आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्टोरेज की हम बात करें तो 1-1 लीटर्स के बॉटल्स आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोविजन दिया हुआ है चार्जर सॉकेट के लिए, जो आप बाद में एक्सेसरीज फिट कर सकते हो फॉर चार्जिंग पॉइंट। और यहाँ पे आपको लैंप भी दिया हुआ है। और स्पेस की हम बात करें तो आपको यहाँ पे लेगरूम भी मिल जाता है, देखिए सीट हम तो हिसाब से आपको लेगरूम भी मिल जाता है और ऊपर आपको हेडरूम भी अच्छे से मिल जाता है। तो थर्ड रो के हिसाब से पीछे काफ़ी आपको स्पेस मिल रहा है इस गाड़ी में, न्यू अर्टिगा टूर एम में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे इसके बूट स्पेस के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके रेयर व्यू के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाई माउंटेड लैंप दिया हुआ है, जो कि आपके सेफ्टी को भी बढ़ा देता है। और यहाँ पे आपको 3D LED टेल लैंप्स दिए हुए हैं, जिसके वजह से इसका जो ओवरऑल लुक है वो भी काफ़ी एनहांस कर रहा है। और यहाँ पे मारुति ने आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी कंपनी फिटेड ही दिए हुए हैं। और ओवरऑल लुक हम रेयर की बात करें तो काफ़ी मस्कुलर और बोल्ड लुक दिखाई दे रहा है, जो इस कार को काफ़ी एनहांस भी कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे इसके बूट स्पेस के बारे में। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 209 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है, और यहाँ पे आपको स्प्लिट लगेज बॉक्स दिया हुआ है, जो आप आपके स्टोरेज के हिसाब से इसको स्टोर कर सकते हो। और अगर आपका लगेज ज़्यादा है तो आप इससे सिर्फ एक वन स्विच से आप इसको गिरा सकते हो, कम्प्लीटली फ्लैट हो जाता है, जो आपका मिल जाता है आपको यहाँ पे 550 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। और अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है और पैसेंजर्स कम है तो आप थर्ड रो भी आप फ्लैटली फ्लैट कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली 809 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी स्पेशियस और आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस गाड़ी को यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो इंजन है वो K15B सीरीज इंजन आता है, जो कि कम्प्लीट एल्यूमिनियम से बना हुआ है और काफ़ी लाइट वेटेड होने की वजह से आपको इसका माइलेज में भी आपको ज़्यादा मिल जाता है। इसका जो इंजन है वो 1500 सीसी इंजन है और 77 किलोवाट एट 6000 आरपीएम की पावर इसमें जनरेट होती है। और टॉर्क की हम बात करें तो 138 न्यूटन मीटर एट 4400 आरपीएम की टॉर्क जनरेट होती है। तो दोस्तों ये थी सारी टेक्नोलॉजी की बातें। अब हम बात करें तो सेफ्टी फीचर्स के बारे में। अगर सेफ्टी फीचर्स की हम बात करें तो इसमें मारुति सुजुकी आपको दे रहा है ड्यूएल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ABS विद EBD और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू अर्टिगा टूर एम के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल शिवम ऑटोजोन को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच यस।